हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट तो आज हम लोग करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का डिस्कशन और ये नाइन्थ टेस्ट था इसका आज और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको और ये मिशन है डॉक्टर एस पी सिंह सर का तो आइए इस मिशन को पूरा करने के लिए सेशन शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन द डायग्राम एंड देयर डिजीजेज तो यहाँ पर इनहेरिटेंस पैटर्न और डिजीज के बारे में तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हीमोफीलिया पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमें पता है हीमोफीलिया में क्या होगा इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है ये सेक्सलिंग रिसेसिव इनहेरिटेंस फॉलो करता है हीमोफीलिया ए बी सी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया हैं ए और बी ये सेक्सलिंगड रेसिव और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर एट नाइन एंड एलेवन ए में क्लॉटिंग फैक्टर एट बी में क्लॉटिंग फैक्टर नाइन और सी में क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डिफिशेंसी होती है तो ये तो हमारा गलत हो गया ऑप्शन इसके बाद तीसरा देखें थैलासीमिया तो थैलासीमिया भी सेक्सलिंगड रिसेसिव नहीं है थैलासीमिया भी गलत दिया हुआ यह है यह ऑटोसोमल रिसेसिव है थैलासीमिया के टाइप्स देखे जाएँ तो एल्फा थैलासीमिया बीटा थैलासीमिया और डेल्टा थैलासीमिया इनके जीन्स जो होते हैं सोलह क्रोमोजोम नंबर ग्यारह क्रोमोजोम नंबर और क्रोमोजोम नंबर ग्यारह पर मतलब ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स पर है सेक्सलिंग डोमिनेंट रेट कलर ब्लाइंडनेस तो ये सेक्सलिंग डोमिनेंट नहीं है ये कैसा है सेक्सलिंग रिसेसिव है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पर सिर्फ सेकंड होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफि डिजीज है इसकी और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है डिस्ट्रॉफिन जीन जेनेटिक डिसऑर्डर है प्रोग्रेसिव मसल डिजेनरेटिव डिजीज है लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रॉफिन और 2.4 मिलियन बेसिस से बनी हुई है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ हंड्रेड फर्स्ट का सेकेंड नाव ई मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड टू यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम डायग्राम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रांसलेशन डायग्राम रिप्रेजेंट रेप्लीकेशन डायग्राम रिप्रेजेंट डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग और नन तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका ट्रांसलेशन क्योंकि इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है राइबो सोम दिखा हुआ है मैसेंजर आर एन ए है और यहाँ पर टी आर एन ए टी आर एन ए एक टी आर एन ए जो है ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन कैरी कर रहा है एक में ये सिर्फ अमाइनो एसिड है और एक सिर्फ टी आर एन ए तो ये किस किस साइट पर है ई साइट पर पी साइट पर और ए साइट पर ई साइट पर जो टी आर एन ए फ्री हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन जिससे रिमूव हो जाएगी वो यहाँ से एग्जिट करेगा पी पेप्टाइडल टी पेप्टाइडल साइट पेप्टाइडल साइट यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो टीआरएनए होगा उसके पास ये पॉलीपेप्टाइड चेन होगी अमाइनो एसिड्स की चेन और ये अमाइनो एसिल साइट ए साइट क्या है ये अमाइनो एसिल साइट यहाँ पर जो टीआरएनए आएगा वो अमाइनो एसिड ले करके आएगा और ये अमाइनो पेप्टाइड चेन इससे ट्रांसफ़र होगी इधर और ये जो ट्रांसफ़र होता है पेप्टाइड बाउंड का फॉर्मेशन होता है ये राइबोजाइम की प्रेजेंस में होगा अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो 23S थ्री ईयर्स रेबोसोमल आ रहे हैं यहाँ पर इसको कैटेलाइज करेगा और अगर यू है तो 28S एट ईयर्स राइबोसोमल आ रहे राइबोजाइम का काम करता है और एंजाइम एक्टिविटीज की क्या है तो पेप्टाइडल ट्रांसफर पेप्टाइड बॉन्ड के ट्रांसफर को एक्टिवेट कैटेलाइज करता है पेप्टाइडल ट्रांसफर तो राइबोसोम यहां पे क्या कर रहा है राइबोसोम जो है ये कपलिंग प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए एम और टी के बीच में तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा डायग्राम रिप्रेजेंट्स ट्रांसलेशन फर्स्ट नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 103 गैसियस पीजीआर पूछा हुआ है यहां पर गैस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो गैसियस है तो ये कौन सा होगा एथिलीन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एथिलीन जो है ये एक्टिवेटर भी है और इनिवेटर का भी काम करता है मेनली ये इनिवेटर का काम करता है किसने खोजा था कजिन और इनसे वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो रिलीज हो रहे थे और ये अनराइप मैंगोज़ की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे अनराइप बनानास की अनराइप बनानास की राइपनिंग के लिए तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर पीजीआर का एथिलीन जिब्रेलिक एसिड है ये, ये एफ्सिक एसिड और ये टू फोर डाई क्लोरोफिन एसिटिक और ये कैसा है ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है एप्सिक एसिड क्या होता है ये एंटी ट्रांसपेरेंट है और ये जिब्रैल हैं जिब्रेलिन सारे के सारे कैसे होते हैं एसिडिक होते हैं और इसमें मेन कौन सा है जी ए थ्री जी ए वन जी ए टू जी ए थ्री तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हंड्रेड फोर विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज रिलेटेड विद ह्यूमन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट स्टेबल पॉपुलेशन तो यहाँ पर डायग्राम्स में क्या दिखाया गया है यहाँ पर एज पिरामिड दिखाया गया है ये एज पिरामिड्स दिखाए गए हैं और इसमें अगर स्टेबल इस की बात की जाए तो स्टेबल में शेप होगा बेल शेप और प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो होगी वो रिप्रोडक्टिव के बराबर होगी तब यहाँ पर जो पॉपुलेशन एज पिरामिड जो तैयार होगा वो स्टेबल वाला तो अगर देखा जाए तो प्री रिप्रोडक्टिव ये वाला ब्लॉक हुआ ये रिप्रोडक्टिव ब्लॉक है तो प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव ये किस में दिख रहा है ये सिर्फ सेकेंड में प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव ये यहाँ पर ये वाला रिप्रोडक्टिव और ये प्री रिप्रोडक्टिव इसमें देखा जाए तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ज्यादा है प्री रिप्रोडक्टिव कम है मतलब ये कैसा हुआ ये डिक्लाइनिंग का ग्राफ हुआ और डिक्लाइनिंग जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा उसका शेप होगा आन शेप आन मतलब सुराही आन शेप और अगर प्री ज्यादा हो डिक्लाइनिंग में क्या होगा डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में कैसा रिलेशन होगा प्री रिप्रोडक्टिव यहाँ पर कम होगा प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस देन रिप्रोडक्टिव ले तब यहाँ पर डिक्लाइनिंग और अगर ये एक्सपेंडिंग होता अगर एक्सपेंडिंग होगा तो एक्सपेंडिंग में शेप होगा ट्राइंगल पिरामिड मिलेगा हमें और प्री वाला जो pre -reproductive, होगा प्री रिप्रोडक्टिव वो ज़्यादा होगा देन द रिप्रोडक्टिव जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो इस तरह का शेप बनेगा ये होगा प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन नीचे वाला जो ब्लॉक है और ये वाला जो होगा ये रिप्रोडक्टिव तो प्री रिप्रोडक्टिव अगर रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है तो ट्राइंगल तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा सेकंड ये भी है डिक्लाइनिंग का और ये भी डिक्लाइनिंग क्योंकि इन सभी में रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव को कम दिखाया गया यहाँ पर भी रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव को कम दिखाया गया है करेक्ट आंसर यहाँ पर स्टेबल का सेकेंड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फाइव द फॉलोइंग ग्राफ चेंजेस इन टू पॉपुलेशन एंड बी ऑफ हरबी बोर्ड इन ए ग्रासी फील्ड पॉसिबल रीजन फॉर दीज चेंजेस इन दैट तो हर्बी बोर्ड्स की ये दो पॉपुलेशन है ए और बी पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस्ड मोर ऑफ स्प्रिंग दैन पॉपुलेशन बी अगर पॉपुलेशन ए ने ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए होते तो न... ये y एक्सेस पर क्या दिखा रहे हैं नंबर ऑफ ऑफ स्ट्रिंग्स तो ये इनके ऑफ स्ट्रिंग्स बढ़ते ना कि कम होते तो ये गलत हो गया पॉपुलेशन ए कंज्यूम्ड द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी अगर पॉपुलेशन ए के इंडिविजुअल्स ने पॉपुलेशन बी के मेंबर्स को कंज्यूम किया होता तो इनका नंबर और कम हो जाता बढ़ने की जगह तो ये भी गलत हो गया बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज तो दोनों बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज तो ये भी गलत है पॉपुलेशन बी कम्पीटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड दैन पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी ने ज़्यादा सक्सेसफुली कम्पीट किया है देन ए ये सही है इसी वजह से इनका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं ये राइज कर गए पहले इनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इतने थे और अब ये यहाँ पर इतने पहुँच गए तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोर्थ हंड्रेड फाइव इज़ फोर्थ नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड सिक्स सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डायग्राम यहाँ पर क्या एक्सेस पर इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी दिखाई है प्रोसेस ऑफ ऑफ प्रोग्रेस रिएक्शन दिखाया हुआ है ये सबस्टेट और ये यहाँ पर प्रोडक्ट तो सबस्टेट और ट्रांजिशन स्टेट इसके बीच में जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो बी जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी कब है जब एंजाइम नहीं यूज़ किया और जब सी क्या है ये एक्टिवेशन इनर्जी है जब एंजाइम को यूज़ किया गया है एंजाइम क्या करता है ये एंजाइम रिएक्शन की एक्टिवेशन इनर्जी को रिड्यूस कर देगा दिस विल रिड्यूस द एक्टिवेशन इनर्जी जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और वो रिएक्शन को आगे प्रोग्रेस करने में हेल्पफुल होगा तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो ए ट्रांजिशन स्टेट है सही दिया हुआ है बी एक्टिवेशन इनर्जी विदाउट एंजाइम ये भी सही है और सी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है और जब एंजाइम नहीं यूज़ किया था तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 106 का फोर्थ नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 107 ऑक्सीजन वॉज आइसोलेटेड बाई साइंटिस्ट, तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है जिन्होंने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था तो ऑक्सीजन को आइसोलेट करने में कौन एफ डब्लू वेंट और एफ डब्ल्यू वेंट ने किस किस से किया था तो ये टिप ऑफ कॉलियपटाइल कॉलियपटाइल कॉलियोराइजर ये सब केस में होते हैं ये मोनोकॉर्ड्स में तो टिप ऑफ कॉलियपटाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स ओट की जो सीडलिंग्स हैं उनसे Cousins, ये किससे रिलेटेड हैं ये एथलिन की डिस्कवरी से स्कूक एंड मिलर यह साइटोकाइन से और इ कोरोसावा ये जिब्रेल से तो 107 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिमूव इन बेसेकटॉमी तो वैसेक्टोमी क्या है टर्मिनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का सर्जिकल मेथड और इसमें रिमूव क्या करते हैं तो इसमें वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर देते हैं तो एपिडिडाइमिस वास डिफ्रेंस रेडिटेस्टिस और इजैकुलेटरी डक्ट तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हंड्रेड एट का सेकेंड और अगर फीमेल्स में होता है ये प्रोसेस किसमें मेल्स के लिए वैसेक्टोमी फीमेल्स के लिए ट्यूबेक्टोमी इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट करते हैं फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड लाइगेटेड तो 108 का करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पर पूछा गया हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड स्टेम कितने स्ट्रक्चर्स मॉडिफाइड स्टेम हैं तोडोडल तो थॉन्स तो हमें पता है एक्जिलरी बर्ड से बनते हैं तो ये किसके मॉडिफ़िकेशन हुए ये हुआ स्टेम का मॉडिफिकेशन। थॉन किस में सिट्रस में फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड किस में ओपनशिया वगैरह में और यहाँ पर ये क्या होता है ये फ्लैट एंड स्टेम हो जाता स्टेम जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर अडाप्ट कर लेगा ग्रीन होगा फोटोसिंथेटिक होगा लीव्स जो होती हैं यहाँ पर स्पाइंस के फॉर्म में हो जाती हैं ये स्पाइंस और ये लीव्स के मॉडिफिकेशन है और ऐसा होता क्यों सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए पिचर पिचर किस में होगा पिचर होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में इंसेक्टिवोरस में और ये किसका मॉडिफिकेशन होगा ये लेमिना का लीफ में जो पार्ट है लेमिना उसका तो ये नहीं हुआ फिल्लोड फिल्लोड किस में ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में है और एक इससे बनता है पेटियोल का मॉडिफिकेशन है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया ये भी अडाप्टशन है वाटर लॉस वगैरह को कम करने के लिए पिटियोल वैसे इस तरह का स्ट्रक्चर है ये लीफ लेमिना होता है यहाँ पर पिटियोल जो होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा और लीफ लेमिना जो होगा ये शॉर्ट लिव्ड होता है ये फॉल ऑफ हो जाएगा गिर जाएगा तो पेटियोल के मॉडिफिकेशन हो जाएगा लीफ जैसा तो इसी को बोलते हैं फिलोड क्लैडोड क्लैडोड ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है ये एस्पेरेगा में होता है सिंगल इंटरनोड लॉन्ग होगा फिल्लो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है मेनी इंटरनोड्स हैं और क्लाडोड में सिंगल इंटरनोड टेंड्रिल ये भी एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन स्टेम टेंड्रिल तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ फोर हंड्रेड नाइन इज फर्स्ट नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन हंड्रेड टेन सेलेक्ट द इन करेक्ट ऑप्शन फॉर गोवा तो गोवा में क्या है अपोजिट फिल्लोटैक्सी अपोजिट फिल्लोटैक्सी का मतलब एक नोट पर एक दो लीफ और दोनों कैसी होंगी एक दूसरे से अपोजिट ये किसमें गोवा में है और कैलोट्रोपिस में भी है कैलोट्रोपिस एंड गोवा एपिगा एपिगास का मतलब हुआ ओवरी कैसी है यहाँ पर इंफीरियर तो वावा में ओवरी इन्फीरियर है बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो ओवरी के ऊपर हैं इन्फीरियर ओवरी ये भी सही दिया हुआ है सुपीरियर ओवरी यहाँ गलत है तो इनकरेक्ट आपको बताना था तो इन करेक्ट यहाँ पर हो गया हंड्रेड टेन का फोर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड इलेवन वॉट इज रेटिकुलेट एंड पैरल तो रेटिकुलेट और पैरल क्या है ये वेनेशन है जैसे ही पीपल की पत्ती है अगर तो पीपल की पत्ती में हम लोगों ने देखा हुआ है रेटिकुलेट वेनेशन मिडरेब होगी ये वेन्स और इससे वेनलेट्स वगैरह जो निकलेंगे स्मॉल ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन पैरल वेनेशन पैरल वेनेशन किसमें मिलेगा मोनोकॉट लीफ में यहाँ पर जो मिडरेब होगी इसी के पैरल होंगी बाकी वेन्स तो ये पैरल वेनेशन पैरल वेनेशन किस में होता है ये मोनोकॉट्स में में, और रेटिकुलेट वेनेशन होता है टाइप ऑफ वेनेशन 111 इलेवन इज सेकेंड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 112 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच यहां पर इनकरेक्ट मैच आपको बताना है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ अर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो एक इसमें होगा बैलानोगलॉसिस ऑर्गन सिस्टम कहाँ से एस्कल से शुरू हो जाता है प्लेटिल में ऑर्गन लेवल और इसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम एस्केल मिन्थीस एस्केल से कॉर्डेटा तक और बैलानोगलॉसिस और सेकोगलॉसिस किसके मेंबर्स से? से हैं ये हैं हैंवी कॉर्डेटा के तो इसलिए यहाँ पर सही दिया हुआ है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फैदर्स ये किसमें पीकॉक में एव्स का फीचर है बर्ड्स का सही है टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर इन एम्फीबियंस हाईला है ये एम्फीबिया है तो ये भी सही है मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट हिपो कैम्पस ये गलत है मैमरी ग्लैंड किसमें मेमल्स का फीचर है यूनिक फीचर तो हिपो कैम्पस ये गलत है हिपो कैम्पस है क्या ये सी हॉर्स है और सी हॉर्स कौन से होते हैं ये मैरीन ऑस्टिक थीस फिशेज है ये तो यहां पर इनकरेक्ट मैच कौन सा होगा थर्ड 112 नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 113 तो 113 में पूछा गया है कि यहां पर भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है पोरीफेरा पोरीफेरा का क्या होगा पोरीफेरा में जो कैविटी प्रेजेंट है उसे स्पॉन्जोसील बोलते हैं और स्पॉन्जोसील इज लाइनड बाई कोएनोसाइड्स फ्लैजलेटेड सेल्स जो हैं कोसाइड्स सीलेंट्रेटा सीलेंट्रेटा में क्या है सीलेंट्रोन कैविटी और ये क्या शो करता है ये मेटाजेनेसिस मेटाजेनेसिस क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए टर्म यूज़ किया जाता है मेटाजेनेसिस ल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजिनेस जो होगा ये किसमें है ये ओबेलिया में सारे सीलेंट्रेड्स में नहीं जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म एक ही ऑर्गेज में होते हैं तो ओबेलिया इसी का कॉमन नेम है सीफर पॉलिप जो होगा मेड्यूसा बनाएगा ए सेक्चुअली और मेड्यूसा पॉलिप बनाता है सेक्चुअली फिर प्लेटियल मिन्थीस प्लेटियल मिन्थीस कैसे हैं फर्स्ट एप्लोप्लास्टिक ऑर्गनिज्म कॉडेटा कॉडेटा में कैसा होगा वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होगा तो 103 का करेक्ट करेक्ट मैचिंग ए इज सेकेंड बी इज फोर्थ और सी इज फर्स्ट एंड डी इज थर्ड तो हंड्रेड का करेक्ट मैचिंग होगा सेकेंड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फोर्टीन अगर देखें हम लोग तो 114 में क्या प्रेजेंट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है तो इनकरेक्ट मैच यहाँ क्या होगा टेम्पोरल बोन टेम्पोरल बोन किस में स्कल ऑक्सीपिटल बोन ऑक्सीपिटल बोन भी किस में, में है स्कल में सही है टेम्पोरल बोन ये और ये कैसी होगी पैराइट ये पेयर्ड है पैराइटल बोन भी पेयर्ड है ऑक्सीपिटल बोन सिंगल होती है बैक साइड में रिब्स रिब्स अ स्केलेटन ये गलत है यहाँ पर क्या होना चाहिए था एक्जियल स्केलेटन एक्जियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है एटी एक्जियल स्केलेटन मतलब जो सेंट्रल एक्सेस के अलॉन्ग होंगे तो सेंट्रल एक्सेस के अलॉन्ग क्या है स्कल वर्टिब्रल कॉलम स्टर्नम और रिब्स ये सब एक्जियल स्केलेटन कार्पल्स कार्पल्स का होंगे रिस्ट में और कार्पल्स का नंबर ईच रिस्ट में कितना है एट अ पेंडिकुलर स्केलेटन तो यह पेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है सही है इनकरेक्ट पूछा हुआ था तो 114 का इनकरेक्ट मैच होगा थर्ड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेल वॉल यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको सेल वॉल के रिस्पेक्ट में तो इट इज़ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर सही है इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन ये भी सही है आउटर मोस्ट लेयर है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल आर सेम इन डिफरेंट डिफरेंट किंगडम तो ये सेम नहीं है ये डिफरेंट है डिफरेंट इन डिफरेंट किंगडम स्टेटमेंट क्या था ये एन का डिफरेंट इन डिफरेंट किंगडम ये सही स्टेटमेंट है डिफरेंट इन डिफरेंट किंगडम तो क्वेश्चन का आंसर हुआ थर्ड देखा जाए तो एलगी एलगी में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है गैलेक्टेंस मैरस और सेलुलोज प्लस यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह प्रेजेंट हैं। हायर प्लांट्स की अगर बात की जाए हायर प्लांट्स में तो हायर प्लांट्स में सेलुलोज हैलुलोज है पैक्टिन है, है, और प्रोटीन्स है ये हो गया हायर प्लांट्स का फंगस में सेलवॉल अगर देखा जाए तो फंजाई में सेल वॉल किसकी है काइटिन की बनी हुई है और काइटिन किसका होमोपॉलीमर है तो काइटिन इज ए होमोपॉलीमर ऑफ एनेसाटाइल ग्लूकोसाम और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है मोनरन्स में भी है तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज अप ऑफ ये बैक्टीरियल सेल वॉल बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकेन की पैप्टाइडोग्लाइकैन इसी को बोलते हैं म्यूरिन और इसमें एन एनासेटाइल ग्लूकोसामीन और एन एनेसटाइल म्यूरेमिक एसिड ये मोनोमर्स हैं तो डिफरेंट हुए डिफरेंट किंगडम में सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल किंगडम ये भी सही है जैसे एनिमेलिया में नहीं है और प्रोटेस्टा के मेंबर्स में भी जो प्रोटोजोआ वगैरह उनमें भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 116 न्यूक्लियस एज ए सेल ऑगनिल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी कब 1831 में 1665 ये क्या था ये रॉबर्ट होक इन्हीं के नाम से मिलता जुलता रॉबर्ट होक और रॉबर्ट होक ने क्या देखा था इन्होंने सेल वॉल देखा था इन्होंने एम्प्टी स्पेसेस जो थी कॉर्क में कॉर्क का जो स्लाइस देखा था उसमें जो एम्प्टी स्पेसेस थी उन्हीं के लिए इन्होंने टर्म यूज़ किया था सेलुली और तो इन्होंने क्या देखा था इन्होंने डेड सेल और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन्होंने लिविंग सेल इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल को स्टडी किया था तो 116 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ Now we move to another question 117. In some prokaryotes like cyanobacteria there are other membranous extension into the cytoplasm called which contain pigments. तो so, यहाँ पर मोनेरा में दो तरीके के मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं एक है मीजोसोम और दूसरा है यहाँ पर क्रोमाटोफोर्स क्रोमैटो फोर्स फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है क्लोरोप्लास्ट के वैलेंट होगा ये और ये रेस्परेशन से रिलेटेड है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के केक होगा तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा 117 का थर्ड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 118। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एंजाइम्स एंजाइम्स के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो यहाँ पर क्या दिया इन द फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड द कार्बोनिक हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाई अबाउट टेन मिलियन टाइम्स तो ये सही है अगर एंजाइम नहीं यूज़ किया जाएगा तो टू हंड्रेड पर आर इसके चेंज होते हैं और अगर एंजाइम के प्रेजेंस में होगा तो सिक्स लैख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड तो ये पहला स्टेटमेंट सही है इन द एंजाइम्स रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर इसी वजह से ही हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाते हैं जैसे कि हम लोग टैक पॉलीमरेज जो ऑप्टेन करते हैं पी में जो यूज करते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस से ऑप्टेन किया गया है एंजाइम्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था ये इंक्रीज नहीं है डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी तो इन करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया थर्ड 118 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 119 नाइनटीन क्रोमोजोमल मेटीरियल कंड टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम क्रोमोजोम्स आर सीन टू बी कम्पोज ऑफ टू क्रोमैटेड अटैच टूगेदर एट द सेंट्रोमियर तो ये किस में होगा ये होगा प्रोफेज में कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम की विजिबिलिटी जो होती है वो प्रोफेज में आती है क्रोमेटिन के स्टेज में होता है थ्रेड के स्टेज में होगा ये कब होगा ये इंटरफेज में और जब एक्चुअल माइटोटिक डिवीज़न शुरू होगा तब ये क्रोमोजोम के फॉर्म में विज़िबल होता है तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा डीएनए इज रेप्लिकेटेड बट ये क्रोमेटेड्स के फॉर्म में डिजबिल जो होगा वो हमें होगा प्रोफेज में एनाफेज़ में माइटोसिस की बात हो रही तो एनाफेज में क्या होता है एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा जो क्रोमेटेड्स हैं जो फ्यूचर क्रोमोजोम्स बनेंगे डॉटर सेल्स के वो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा क्रोमेटेड्स अलग अलग हो जाते हैं टीलोफेज टीलो फेज टीलो में ये जो जेनेटिक मटेरियल है अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है लूज इट्स आइडेंटिटी क्लस्टर के फॉर्म में आ जाएगा और मेटाफेज मेटाफेज में ये एक ही प्लेट पर मेटाफेज प्लेट पर आकर के अरेंज हो जाते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ सेकंड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 120 ट्वेंटी सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर म्योसिस वन म्योसिस वन यहां पर क्या होगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बाई वैलेंट कायजमेटा या स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर तो इन करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोजोम्स की तो इनको स्टेबलाइज़ करने के लिए यहाँ पर ट्राई पार्टेड स्ट्रक्चर बनता है जो इसको स्टेबलाइज करता है इसी को बोलेंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सैनैप्स की वजह से और बाइवेलेंट क्रोमोजोम्स यहाँ पर दो हुए तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाइवेलेंट और क्रोमेट्रिड्स के बेसिस पर इसको बोलते हैं टेक्ट्रेड कायजमेटा कायजमेटा क्या होगा एक्स शेप स्ट्रक्चर जब डिजोल्यूशन होता है जब इस सीनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिजोल्यूशन होगा तो एक्स शेप स्ट्रक्चर जहाँ पर ये आपस में जुड़े रहते हैं रिकॉम्बिनेशन रोड्यूल पर इसी को बोलते हैं कायजमेटा तो ये डिप्लोटीन स्टेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं होगी मियोसिस वन में मियोसिस वन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर आता है मेटाफेज प्लेट पर यह पेयर सेपरेट हो जाता है स्प्लिटिंग नहीं हुई है स्प्लिटिंग होगी एनाफेज टू में तो ये जो पेयर है इसका सेपरेशन होगा ये अलग सेल में जाएगा यह अलग सेल में जाएगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया था तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ये एनाफेज टू में एनाफेज वन इज़ इनकरेक्ट वन ट्वेंटी इज फोर्थ नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी वन में अगर देखें हम लोग तो यहाँ करेक्ट मैचिंग क्या होगी ग्रीन एलगी ग्रीन एलगी में फूड जो स्टोर होगा वो स्टार्च के फॉर्म में ब्राउन एलगी ब्राउन एलगी में ये मैनिटॉल एल लेमिनर के फॉर्म में रेड एलगी रेड एलगी में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमेटा ये किस में होगा ये जिम्नोस्पर्म में टू वेदर स्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड इन सबको टॉलरेट करने के लिए एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर विंड एंड ह्यूमिडिटी ये अडाप्टेशन होते हैं इसमेंटा और निडल लाइक लीवस निडल लाइक लीव्स ये सब क्या करेंगे सर्फेस एरिया निडल लाइक लीव सर्फेस एरिया को रिड्यूस करेगी वाटर लॉस को कम करने के लिए सारे अडाप्टे हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 121 का क्या हुआ सेकेंड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थर्ड वन ट्वेंटी सेकेंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच तो यहाँ पर कैपेसिटीज़ दी हुई हैं रेस्परेटरी कैपेसिटीज़ तो रेस्परेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके हमें रेस्परेटरी कैपेसिटीज मिलती हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो सही दिया हुआ ये टाइडल वॉल्यूम प्लस इंसपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉलीम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर नॉर्मल जो हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं इसमें हम लोग फोर्सफुली कितना और ब्रीद इन कर सकते हैं तो ये हो गई हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इसी तरह से जो नॉर्मल हम लोग ब्रीद आउट कर रहे हैं उसमें फोर्सफुली और कितना ब्रीद आउट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जब नॉर्मल ब्री फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जो एयर बची रहेगी वो होती है रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जब नॉर्मल हम लोग ब्रीद आउट करते हैं उसके बाद वो कितनी बची रहती है तो इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम ये भी सही दिया हुआ Vital capacity. Vital capacity है वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो ये भी सही है मैचिंग यहाँ पर सामने ही दी हुई है ए इज वन बी इज टू सी इज थ्री एंड डी इज फोर्थ नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच साउंड बॉक्स कार्टिलेजनस बॉक्स यहाँ पर क्यूटेनियस रेस्परेशन ये मॉइस्ट स्किन से मैमल्स लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्परेशन बोलेंगे इसको जो लंग्स के थ्रू होता है स्किन के थ्रू जो होगा उसे क्यूटेनियस रेस्परेशन वर्म्स पलमोनरी रेस्परेशन फ्लैट वर्म्स थीज यहाँ पर जनरल बॉडी सरफेस से होगा तो पलमोनरी रेस्परेशन यहाँ पर गलत दिया हुआ है वन ट्वेंटी थर्ड इज फोर्थ यहाँ पर कोई स्पेशलाइज रेस्परेटरी ऑर्गन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन वन ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी फोर में क्या दे रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पूछा हो गया यहाँ पर ल्यूकोसाइड्स ल्यूकोमीस कलरलेस साइट का मतलब सेल तो ये डब्लू बी सी डब्लू बी सी अमीबॉयड मूवमेंट जो फेगोसेटिक सेल्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स वगैरह ये अमीबॉयड मूवमेंट शो करेंगी स्केलेटल मसल्स इनर वॉल्स ऑफ हॉलोविस्ट्रल ऑर्गन्स। इनर वॉल ऑफ हॉलोविस्ट्रल ऑर्गन्स यहाँ पर स्केलेटल मसल नहीं स्केलेटल मसल्स जो होते हैं जो इस बोन से अटैच्ड होंगे और ये वॉलेंट्री होंगे जो इनर वॉल्स ऑफ हॉलोविस्टरल ऑर्गनस हैं ये कौन सी होंगी ये स्मूथ मसल्स होंगी और ये कैसे होते हैं ये इनवॉलेंट्री हैं मसल्स मसल्स इनवॉलेंट्री सही है फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज ड्यू टू मसल्स तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच हुआ 124 ट्वेंटी फोर इज सेकेंड नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव द क्रैप साइकिल अकर्स इन वेच ऑर्गनिज्म तो क्रैप साइकिल ये किस में होगी अल्टरनेरिया ये ड्यूट्रोमाइसिटीज़ का मेंबर है यूकैरियोटिक सेल हुई यूग्लिना ये प्रोटेस्टा का मेंबर है यूकैरियोटिक सेल है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो यहाँ पर सब में कहा माइटोगोंड्रिया में एसफैगनम पीट ये ब्रायोफाइटा सी कोकुम्बर कोकुमेरिया इकानोडरमेटा पाइनस पाइनस ये क्या है जिमनोसपम तो ये सब कैसे हुए ये यू तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए बी सी डी ऑल सभी में प्रेजेंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 126। इन लेबोरेटरी साइंटिस्ट वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल एट 6 एम मॉर्निंग 500 सेल्स आर प्रेजेंट इन कल्चर मीडियम एट 6 पीएम ऑन सेम डे 6 पीएम ऑन सेम डे तो 6 एम टू 6 पीएम कितने घंटे हुए 12 आवर्स और ह्यूमन सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है ट्वेंटी फोर आवर्स चौबीस घंटे तो हाउ मेनी ह्यूमन सेल्स इन द कल्चर तो यहाँ पर से नंबर कितना रहेगा वही रहेगा कितना फाइव थाउजेंड सेल्स थी तो फाइव थाउजेंड की फाइव थाउजेंड ही क्योंकि पूरा सेल साइकिल का ड्यूरेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी तो वन ट्वेंटी सिक्स का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सेवन इन द सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो सिंथिस सनलाइट एक्सटर्नल फैक्टर है सही है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ये एक्सटर्नल फैक्टर में दिया हुआ है एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स ये इंटरनल फैक्टर सही है और टेम्परेचर एक्सटर्नल फैक्टर तो नंबर एज ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ये सब किस में आते हैं इंटरनल फैक्टर्स में अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ये भी इंटरनल फैक्टर्स में तो यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल एक्सटर्नल फैक्टर ये गलत दिया हुआ है तो वन का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नेक्स्ट विच क्रेनियल मैनेजेज इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू तो ब्रेन टिश्यू अगर देखा जाए तो ये सैरब्रल हेमेस्फियर्स और सेब्रल हेमिसफियर्स के ऊपर जो मैनजेज होगी चिपकी हुई होगी इसी से ये होगी पायोमेटर इसके बाद यहाँ पर एरेक्नोइड ये ड्यूरा मैटर ये ड्यूराटर ये एरेक्नोइड और ये पायोमेटर ड्यूरा मेटर और एरेक्नोइड के बीच में ये सब ड्यूरल स्पेस और यहाँ पर ये सब एरेक्नोइड स्पेस ड्यूरा मेटर किससे स्कल से चिपकी हुई होती है एसकल और मैटर के बीच में कोई जगह नहीं होगी इसी तरह से मैटर ब्रेन से चिपका हुआ होता है इसके बीच में भी कोई स्पेस नहीं है तो और मैनजिस का जो इन्फेक्शन होता है जिसमें इसकी स्वेलिंग हो जाती है उसी को बोलते हैं मैनजाइटिस मैनजाइटिस आइटिस वर्ड का मतलब है इन्फ्लेमेशन तो मैटर इज द राइट आंसर वन इज थर्ड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच यहाँ पर क्या बताना है आपको इनकरेक्ट मैच बताना है एल्डो एस्टोरॉन ये क्या है सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग हार्मोन सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग हार्मोन मिनरेलो ठीक है मेन मिनरेलो कॉल्टॉर्ड इज एल्डोस्टोरॉन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हारमोनस हैं ये और एडीनलिन कैटोलामाइंस सही है ये एड्रिनल मेडुला से आएगा ये इमरजेंसी हारमोन्स इसके बाद नॉर एपीनेफ्रिन गोनाडोकॉर्टिकॉइडस क्या होते हैं ये सेक्स हारमोनस हैं जो एडीनल कॉर्टेक्स हैं तो सेक्स हारमोनस ये पर गलत दिया हुआ है यहां नॉर नेक्सल कहां से आएगा ये एडीनल मेडुलस है तो करेक्ट आंसर यहां पर इन करेक्ट मैच क्या हुआ वन ट्वेंटी नाइन का फोर्थ नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 130 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं पी सी टी ऑल्सो हेल्प्स टू मेनटेन द पी एच एंड आइनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूड्स बाई सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस एंड अमोनिया इन टू द फिल्टेड एंड बाई एब्जॉर्ब्शन ऑफ बाई कार्बोनेट फ्राम इट ठीक है तो पी सी टी में सेवेंटी टू एट्टी परसेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्बन हो जाता है और ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रियस का तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल ये एच आइन और अमोनिया को एब्जॉर्व करता है बाई सिक्रिट करेगा और बाई कार्बोनेट को एब्जॉर्व करेगा तो पी एच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा सही है स्टेटमेंट टू ए फॉल इन जी एफ आर कैन एक्टिवेट द जे जी सेल्स टू रिलीज निकोटीन ये निकोटीन नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए था रेनिन इन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर आर बाई द जी एफ आर बैक टू नॉर्मल तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया निकोटीन की वजह से 130 का करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज़ इनकरेक्ट वन थर्टी इज सेकेंड नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन वन थर्टी वन सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच यहाँ पर भी इनकरेक्ट मैच बताना है मलेरिया इन्फेक्शस डिजीज तो ये प्लाज्मोडियम इसका पॉजिटिव एजेंट है इन्फेक्शियस होगा और इसके लिए वैक्टर होगा मलेरिया के लिए एनाफिलिस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कॉमन कोल्ड ये नॉन इन्फेक्शस गलत दिया हुआ है ये भी इन्फेक्शस है निमोनिया निमोनिया इन्फेक्शस डिजीज कॉजिटिव एजेंट है इसका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और फाइलेरियासिस फाइलेरियासिस भी इन्फेक्शस डिजीज कॉजटिव एजेंट है और एक दूसरे एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र भी हो सकता है तो मॉस्किटोबाइट्स के थ्रू तो कॉमन कोल्ड नॉन इन्फेक्शस ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है राइनोवायरस एडिनोवायरस ये सब इससे एसोशिएटेड है नेक्स्ट विच इज़ द थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पर कौन सा है एसिटोन फॉस्फेट और फॉस्फोइनॉल पायरोवेट तो ये शुगर जो बनती है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है क्लीवेज स्टेप में डाइड्रोक्सीटोन फॉस्फेट फॉस्फो इन पायरोट ये भी तीन कार्बन एसिड बनेगा तीन कार्बन का ही लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से बनेगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती तो ये भी कितने कार्बन का होगा तीन कार्बन का पायरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड तो ये सब तीन कार्बन के हैं तो 132 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन थ्री साइंटिस्ट है्यूम तो ये इनको प्रोनाउंशियट किया जाता है स्नेप्स सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमोर्फिज सिर्फ एक बेस का डिफरेंस होगा और ऐसी लोकेशंस कितनी है टोटल तो ये टोटल लोकेशंस हैं 1.4 मिलियन और मिलियन और द बेसिस ऑफ डी फिंगरप्रिंटिंग नेक्स्ट 134 थर्टी फोर द अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट परफॉर्मड इन विच ईयर तो अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज का जो एक्सपेरिमेंट था ये किस लिए था ये अन प्रूफ निर्विवाद रूप से मान लिया गया था अन मतलब जिसका कोई विवाद ना हो अन प्रूफ था ये किसका डी एन जेनेटिक मटीरियल इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसमें क्या यूज़ किया गया था फास्फोरस थर्टी टू एंड सल्फर थर्टी फाइव और ये कब था वन थर्टी फोर का तो राइट आंसर होगा यहाँ पर नाइनटीन फिफ्टी टू इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी टू इज वॉज परफॉर्म्ड नेक्स्ट वन थर्टी फाइव मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू तो यहाँ पर 135 का करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखें तो स्नोफिल्स स्नोफिल्स ये एलर्जिक कंडीशन वगैरह में बढ़ जाते हैं दो से तीन परसेंट लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स कितने बीस से पच्चीस परसेंट बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स होते हैं मैक्सिमम सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट ये डब्लू बी सी के हैं और मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स का नंबर होता है छः से आठ परसेंट और मोनोसाइट्स ब्लड में प्रेजेंट है यही जब टिश्यू स्पेसिस में जाते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में जो कि फैगोसेटिक हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ ए का सेकेंड बी का थर्ड सी इज़ फोर्थ एंड डी इज फर्स्ट आप लोगों ने वन थर्टी फाइव तक क्वेश्चन देख लिए हैं आपको कराने आया हूँ और आप देखिए वन थर्टी सिक्स क्वेश्चन कौन सा है और इसके बाद आपके पास वन सेवेंटी वन से 200 तक विक्रम सर आपको करा देंगे हम लोग डिस्कशन करा रहे हैं एफ 8 को और जो होने वाला है मतलब जो हुआ है 18 अगस्त को चलिए देखते हैं आपके पास क्या लिखा है कि टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऊ जेनेसिस ऊ जेनेसिस के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं अब आपको बताना है लिखा हुआ है प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर रेयर ऑफ ग्रैनलोसा सेल आथिका एंड शोज फ्लूड फिल्ड कैविटी एंड ट्रम है ना और नाउ इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल याद रखिएगा सेकेंडरी फॉलिकल तक हैंट्रम आपको दिखाई नहीं देती है हैंट्रम का दिखना शुरू होता है आपके पास टर्शरी फॉलिकल से इसका मतलब ये वाली बात गलत है आगे लिखा है ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होती है टू रिलीज सेकेंडरी उड फ्रॉम द ओवरी और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है एक स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट सही और इस तरह से आंसर आपके पास आएगा सेकेंड इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा अगला देखिए अगला आपके पास लिखा है काली खांसी आर द अनदर नेम ऑफ विच डिजीज कौन सी डिजीज का दूसरा नाम होता है काली खांसी देखिए गल घोटू आपको डिप्थीरिया को कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं गल गलघोटू आप देखिए लेप्रोसी लेप्रोसी को हम कुष्ठ रोग कहते हैं कुष्ठ रोग आपके पास टाइफॉइड आपको पता है हाई सस्टेन फीवर होता है इसमें हाई सस्टेन फीवर होता है टाइफॉइड आपको पता है है ना और आपके पास वूपिंग कफ वूपिंग कफ का दूसरा नाम होता है काली खांसी काली खांसी दूसरा नाम है वूपिंग कफ का तो आंसर आपके पास फोर हो जाएगा आगे देखिए आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इंटू इनहेरिटेंस पैटर्न इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी बात सही है अगर मैं आपसे कहूं मेंडल्स के ड्रॉबैक में और मेंडल्स के सक्सेस के राज में दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं सक्सेस भी इसी मैथमेटिक्स के नॉलेज के ब्यापर मिली क्योंकि उन्होंने अपने परमिटेशन कॉम्बिनेशन को आपको वेरीफाई कर पाया था बाइनोबियल एक्सप्रेशन से लेकिन बायोलॉजी के लिए यह कॉन्सेप्ट यह अप्रोच बिल्कुल नई थी इस वजह से ये इनके बेडलक में भी काउंट होता है बिकॉज बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स को कभी नहीं सोचे कि बायोलॉजी में अप्लाई करेंगे तो ये वाली बात उनके साथ प्रॉब्लम्स में आई थी ये बात सही है मेंटल इन्वेस्टिगेशन करेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड टू टू ऑपोजिट ट्रेड टॉल और डॉफ प्लांट यह बात भी सही है क्योंकि मेंडल्स ने पी प्लांट में देखे थे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स और कंट्रास्टिंग करेक्टर मतलब कंट्रास्टिंग पेयर्स की बात करी जाए जैसे कि हाइट को लेकर भी कंट्रास्टिंग आपके पास ट्रेड थी जैसे कि हाइट को लेकर टॉल और ड्वार्फ फ्लार को लेकर भी कंट्रास्टिंग ट्रेड थी जैसे फ्लार की पोजीशन को लेकर और फ्लार के कलर को लेकर आपको पता है ना तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आपको देखने को मिलती हैं दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और आंसर आपके पास फोर बन जाता है आंसर आपके पास क्या बन जाएगा फोर बन जाएगा आगे देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वॉट टिश्यू कल्चर मीन टिश्यू कल्चर का मतलब पूछ रहा है और फिर पूछ रहा है इट वॉज लर्न बाई साइंटिस्ट ड्यूरिंग ड्यूरिंग ईयर पूछ रहा है तो ईयर है दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट एक्स प्लांट मतलब एक्स प्लांट मतलब वो एपिकल पार्ट या फिर वो सेल जिससे पूरा न्यू प्लांट बनाया जा सकता है वो प्रॉपर्टी आपके पास टोटी पोटेंसी है और वो सेल टोटी है ये काम कब की बात है 1950s की बात है आंसर आपके पास थर्ड बनेगा आगे चलिए फिर देखिए बोल क्वेश्चन लेगा 140 फोर्टी डेस्डेस आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑबियस ह्यूमन ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर जैसे कि फूड सीरियल पल्सेस फ्रूट्स फायरवुड फाइबर कंस्ट्रक्शन मटीरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और आपके पास ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस कह रहे हैं कि जब बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात की जाती तो कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करें तो कुछ हमारे पास डायरेक्ट फायदे हैं कुछ इनडायरेक्ट फायदे हैं और कुछ इथिकल हैं तो इस प्लांट से प्लांटों से मुझे बायोडाइवर्सिटी से हमें डायरेक्ट फायदा है जिसमें फूड मिल रहा है मुझे फायरवुड मिल रही है फाइबर मिल रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिल रहे हैं मेडिसिनल प्रोडक्ट मिल रहे हैं है, है। तो ये सब आपके पास आता है नैरो यूटिलिटेरियन में नैरो यूटिलिटेरियन जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट फ़ायदे डायरेक्ट फायदे इनडायरेक्ट फायदे. फायदे में हम ये कह सकते हैं कि मुझे प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है है ना प्लांट से हमारा बायोडावर्सिटी मेंटेन होता है सांस लेने को ऑक्सीजन मिलती आप बताइए वो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हो गया हिथिकल का मतलब होता है जो नेचर ने हमें दिया है उसे हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ कर जाएँ बर्बाद करके ना जाएं हिथिक्स कहते हैं जो आपको मिला है वो आप आगे भी अपनी जनरेशन को दे कर जाएँ यह लाइन आपको नैरो यूटिलिटेरियन की बात बताती ठीक है जो कि डायरेक्ट बेनिफिट है लिखा हुआ है द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाई ह्यूमन इज सेट टू बी हैव लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन है आपके पास डेटा है मोर देन टू थाउजेंड स्पीज ऑफ नेटिव बर्ड्स कैसा नेटिव बर्ड्स तो आपके पास आंसर क्या आएगा टू थाउजेंड स्पीज ऑफ नेटिव बर्ड्स की बात की गई है बायोडाइवर्सिटी को लेकर बात करिए ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर डायरेक्ट एनसीआरटी की लाइन है बढ़िया क्वेश्चन है देखिए 142 कह रहा है अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए टैग विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसे हम प्रोब कहते हैं इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल फॉलोव्ड बाय डिटेक्टिंग यूजिंग कहने का मतलब जो प्रोब टेक्निक है सिंगल स्टैंडर्ड और आर डीएनए और आरएनए हम कॉम्प्लीमेंट्री उसके पार्ट पर जोड़कर देखना चाहते हैं देखने के लिए हमने प्रोब को रेडियो एक्टिव बनाया है और रेडियो एक्टिव प्रोब को देखने के लिए मुझे जिस टेक्निक का यूज करना है वो हमारे पास है ऑटो रेडियोग्राफी क्या बेटा ऑटो रेडियोग्राफी है ये आम आई नहीं है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं जवाब होगा ऑटो रेडियोग्राफी सेकेंड अगला हेमी स्पियर आर कनेक्टेड बाई ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर तो आपके पास दो जो हैं आपके सेरिब्रल हेमिसमर जिस ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर से जुड़े होते हैं उसी को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम कॉर्पस कैलोसम आपको मेमेलियन कैरेक्टर देखने को मिलेगा एसोसिएशन एरिया नहीं थैलमस नहीं कॉर्पस कैलोसम की बात है अगला बताइए पॉन्ड इकोसिस्टम द ऑटोट्रॉफिक कॉम्पोनेट आर पॉन्ड इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं मतलब प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं और सारे लोग कौन सा पार्ट बनाएंगे प्रोड्यूसर वाला पार्ट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे ट्रॉफिक लेवल वन अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट वन इज द एक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ओनली ओनली द टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड इज दैट इज गैलेक्टोज ये वाली बात गलत है या सही है सेलोलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ना कि गैलेक्टोज तो आंसर आपके पास ये वाली बात गलत हो गई यहाँ पर किसका पॉलीमर है ये ग्लूकोज का पॉलीमर है स्टार्सफॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है और वो राइट right हेलिक्स है और राइट right हेलिक्स है जिसे हम कहते हैं एमाइलोज है ना जो आयोडीन को होल्ड कर सकता है और आयोडीन के साथ ब्लड कलर सॉरी ब्लू कलर देगा तो एक गलत है दूसरा सही है आंसर आपके पास थर्ड नहीं बनेगा 145 का 145 का आंसर थर्ड बन जाएगा बेटा अगला बताइए आप इस फोटो को देखिए और फोटो देखकर पहचानिए ये क्या है ये फोटो जो है आपके पास कैनाबिनोइड्स है कि नहीं कैनाबिनोइड्स आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये आपके पास कैनाबिनोइड्स आपके पास क्या होगा ये फोटो दिया होगा तो कैनाबिनोस कैनाबिनोइड्स कैनाबिस प्लांट से मिलता है सही है जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेशन ये भी बात सही है फिर लिखा इट्स इफेक्ट अपॉन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन द बॉडी ठीक लेकिन इसके एसाइलेशन से मॉर्फिन बनती है गलत आपके पास इसके एसाइलेशन से मॉर्फिन नहीं बनती मॉर्फिन का एसाइलेशन करके जो बनता है उसे हेरोइन कहते हैं और वो प्रोडक्ट कैनाबिस सटाइवा का नहीं ओपियम पॉपी का होता है जिसे हम क्या कहते हैं पेपेवर सोमिनी फेरम तो इस फोटो से रिलेटेड चौथा पॉइंट नहीं है सिर्फ ए बी सी सही है आंसर आपके पास 146 का फर्स्ट बन जाएगा आगे देखिए एसर्शन लिखा अप्रामिड ऑफ बायोमास जनरली इन्वर्टेड बिल्कुल बात सही है आपको याद रखना था नटवर लाल उल्टे हैं नटवर लाल उल्टे मतलब पिरामिड कैसा इन्वर्टेड नंबर के केस में ट्री का इकोसिस्टम और बायोमास के केस में रिवर मतलब आपका हाँ एक्वाटिक इकोसिस्टम तो आप देखिए पैरामिड और बायोमास सी जो जनरली इन्वर्टेड होता है और रीजन में लिखा बिकॉज सी और सी द बायोमास ऑफ फिशेस फार दायोमास द फ़ाइटोप्लैंकटॉन सही बात ठीक है तो दोनों बातें सही हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आंसर फोर बनेगा अगला देखिए अगला देखिए हमारे पास लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लाइस टेक्स और कोपोर्ट्स ये सारे के सारे पैरासाइट हैं बिल्कुल हैं ये सारे के सारे पैरासाइट हैं ऑन डिफरेंट एनिमल ये भी सही है ये सारे एंडो पैरासाइट नहीं है और ऑल आर एक्टो पैरासाइट ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट नहीं एनिमल्स की बात है तो बताइए कितनी बात सही है इसमें और 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 सही सही है A और B सही है answer second बनना बनना चाहिए चाहिए 148 का answer बनना चाहिए, second, A और B. अगला बताइए ये सारे कैसे एक्टोपैरासाइट थे फिर लिखा हुआ है 149 फोर्टी टी आर एन ए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड सही बात है क्योंकि टी आर एन ए के एंटी कोडोन आर्म पर जो कोडोन होता है

आगे देखिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट में इन एडल्ट वुमेन हाइपोथिज्म अगर एडल्ट वुमेन में क्या हो जाए हाइपोथिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनरेगुलर हो जाती सही है फिर लिखा है थायराइड ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ टू लोब विच आर लोकेटेड आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया ये बात भी सही है आपके पास दोनों बातें सही है आंसर फोर होना चाहिए आंसर क्या होना चाहिए बेटा फोर होना चाहिए बिल्कुल सही है अगला बताइए अगला देखिए लिखा हुआ है केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस मिशेल ने दी एटीपी टी कैसे होती है इस बात को बताने के लिए दी और ये रीजन बताया कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट का डेवलप हो जाना अक्रॉस दी मेम्ब्रेन और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटेगा तब एटीपी का फॉर्मेशन होगा चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट तो उसके लिए क्या क्या चाहिए प्रोटॉन पंप चाहिए बिल्कुल चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए बिल्कुल चाहिए और मेम्ब्रेन चाहिए आंसर ऑल होगा आगे G2 टू इज द करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन विच फैमिली G2 मतलब ये बाई कार्पलरी सुपीरियर ओवरी है और ये क्रूसी फेरी का करेक्टरिस्टिक है जबकि मालवेसी में ये ट्राई कार्पलरी से लेकर मल्टी कार्पलरी हो सकता है और फ्यूज हो सकता है और सुपीरियर ओवरी होगा फेबेसी में ये मोनोलॉकुलर ओवरी है और आपके पास सुपीरियर है तो कंडीशन आपके पास सिर्फ क्रूसी फेरी में सब में नहीं आगे सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच इनकरेक्ट मैच निकालना है आपको ये साइन मेल के लिए नहीं है यह साइन बेसेक्सुअल के लिए है फीमेल साइन सही है सुपीरियर ओबरी सही है और गैमो पैटलस भी सही है गैमो पैटलस का मतलब गैमो का मतलब फ्यूज क्या फ्यूज और पैटलस नहीं सेपलस को सेपल से डिनोट किया जाएगा सेपल्स फ्यूज हो तो गैमो सेपलस तो गलत बात आपके पास फर्स्ट आ गई आगे विच स्टेप आर यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया आप बताइए प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं डेंगू और चिकनगुनिया से यूज लॉन्ग स्लीव क्लोथ सही है विंडो और डोर विद वायर मैश आप जाली लगा के रखिए ठीक है नो स्टेगनेंट वॉटर नियर ह्यूमन पॉपुलेशन बिल्कुल बात सही है मच्छरों को पनपने से रोकना पड़ेगा क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाने वाला मच्छर एडीज होता है एडीज इजिप्ट आई क्लियर आंसर ऑल हो जाएगा आगे वॉट इज द सिम्टम ऑफ डेंगी फीवर डेंगी फीवर में सिम्टम्स पूछ रहा है वॉमिटिंग है नोजिया है ज्वाइंट पेन तीनों है आंसर ऑल करिएगा आगे लिखा हुआ है ऑल दो डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी व आर वेल एक्सप्लेन अबाउट इवोल्यूशन बट देयर आर ड्रॉबैक देयर आर ड्रॉबैक वॉट इज द डार्विन के ड्रॉबैक तो ड्रॉबैक में आपके पास क्या डार्विन फिंचस की स्टडी की यह ड्रॉबैक है ये ड्रॉबैक नहीं है डिटेल स्टडी की है गैलोपेगोज आइसलैंड पर आपके पास ये ड्रॉबैक है नहीं है लेकिन अगर कहा जाए पहला ऑप्शन इग्नोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन यहाँ पर इंपॉर्टेंस ना होकर यहाँ पर अगर होता कि अपियरेंस ऑफ यहाँ पर अगर हो बेस्ट अपियरेंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में कैसे आते हैं ये वेरिएशन कैसे हेरिडिटी होती है ये बात के बारे में आपको नहीं पता था डार्विन साहब को उस बिहार पर हम आपको यहां पर ऑप्शन के हिसाब से लेकर जाएं तो अगर नन होता तो भाई हो जाता एक इसमें से छाटना पड़ेगा तो फर्स्ट के साथ जा सकते हैं किसके साथ जा सकते हैं फर्स्ट के साथ कब जब अपियरेंस वाली बात हो लिखा हुआ है 157 रेड डेटा बुक इज अज अम्प्लीकेशन कॉम्प्लीकेशन कॉम्प्लिएशन कॉम्पाइलेशन सॉरी द रेड डेटा बुक इज कम्पाइलेशन ऑफ इन डेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीज ऑफ एनिमल प्लांट ऑफ अनजाई सही है रेड डेटा बुक में हम इन डेंजर्ड स्पीज को क्या करते हैं हम यहां पर उनका डेटा कलेक्ट करते हैं फिर लिखा द रेड डेटा बुक सर्व गाइड टू आइडेंटिफाई द प्रोटेक्ट स्पसीज बाई प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन देअर कंजर्वेशन स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन एंड थ्रेट दे फेस इन द वाइल्ड दोनों बात सही है रेड रेडा बुक के लिए आगे चलिए लिखा हुआ है साइंटिस्ट आर इन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन रूशन डिवरीज भी है उसमें हार्डी विनबर्ग भी है अंस्ट मायर भी हैं और भी बहुत सारे हैं जैसे जूलियन हक्सले हो गया है ना बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हैं आगे देखिए लिखा हुआ है 159 द वी एन टी आर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ सैटेलाइट डी एन ए रिफर्स टू एज मिनी सेटेलाइट बिल्कुल बात सही है जिनमें रिपीट का साइज बड़ा होता है अगर उस रिपीट का साइज 20 के बी तक का है तो वी एन है अगर वो रिपीट का साइज चार से या दो से छ तक का है तो उसे हम माइक्रो सेटेलाइट कहते हैं उसे हम कहते हैं ये मिनी सेटेलाइट हो गया वो माइक्रो सेटेलाइट हो गया जिसे हम कहते हैं एस टी आर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है स्मॉल डी एन ए सिक्वेंस इज अरेंज टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर्स द कॉपी नंबर सेम फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इन एन इंडिविजुअल तो बताइए कॉपी नंबर ये टेंडम रिपीट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सेम होते हैं नहीं डिफरेंट होते हैं तभी तो पॉलीमॉरफिज्म पैदा होती है तभी तो एक इंसान का डीएनए दूसरे इंसान के डीएनए से मैच नहीं करता ये गलत बात है पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है दूसरा स्टेटमेंट है गलत समझ पा रहे हैं कि नहीं तो आपके पास आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा आपके पास सेकेंड 159 का आंसर क्या बन जाएगा सेकेंड बन जाएगा आगे चलिए लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच करेक्ट मैच छाटना है बाइवेंट बाइवेलेंट का फॉर्मेशन जाइगोटीन में होता है मियोसिस वन की बात है ठीक है स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम सॉरी सेंट्रोमियर मेटाफेज टू में नहीं होती इसे आपको या तो एनाफेज लिखना चाहिए था या फिर एनाफेज टू वहां पर होगी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज टू होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन तो आपके पास हो जाएगा एनाफेज टू और आपके पास कहा जाए ऑल करेक्ट निकालना है करेक्ट निकालना है तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज टू में नहीं होगा भाई ना ना यह तो 1 की बात है होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन लिख रहा है तो एनाफेज वन की बात होगी तो आपके पास करेक्ट निकालना है आंसर क्या बन रहा है वन सिक्सटी का तो आपके पास करेक्ट निकालना तो पहला बन जाएगा दो गलत हो गए आगे देखिए लिखा हुआ हाउ मैनी आर करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बर्ड वर्ड्स फुल फॉर्म करेक्ट बताना है तो आर टी आई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन सही है आई यू आई इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन ये भी सही है आई यू टी इंट्रा यूटराइन टेक्नोलॉजी नहीं होता यहां पर ट्रांसफर होना चाहिए या होना चाहिए ट्रांसफर अब देखिए लिखा हुआ आई एम आर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ये सही है कितनी बातें सही हैं तो तीन बातें सही हैं तीन बातें सही आंसर सेकंड बनेगा तीन बातें सही आंसर क्या बन जाएगा सेकंड अगला लिखा हुआ एस्पार्टिक एसिड इज अ टाइप ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड बिल्कुल एस्पार्टिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड में आता है सही है फिर लिखा एस्पार्टिक एसिड में नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप आर ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिल्कुल नहीं जब एसिडिक अमीनो एसिड होगा तो यहां पर सी ओ एच ग्रुप के नंबर ज्यादा होने चाहिए एन एच टू से यहां पर यह कह रहा है ग्रेटर है गलत बात है ये तो बात गलत हो गई तो असर्शन सही है रीजन गलत है सेकेंड बनेगा क्या बनेगा सेकेंड अगला बताइए लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच इनकरेक्ट मैच आपको निकालना है बताइए वो भी किसके लिए डाइकॉट स्टेम के लिए हाइपोडर्मिस कॉलन कायमा है सही है कॉर्टिकल सेल पेरेंट कामा की बनी बिल्कुल है, सही हैंडोडर्मिस जो होती है वो रिच एंड स्टार्च ग्रेन होता है स्टार्च कहते हैं हाइपोडर्मिस स्कोलकाइमा की डाइकोटिस्टम में नहीं होती ये तो मोनोकोटिस्टम की बात है आंसर आपके पास फोर हो जाएगा आगे एलाइजा इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इन्फेक्शन बाई पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाई द प्रजेंस ऑफ एंटीजन और डैश डैश लिख कर लिखा हुआ है और बाई डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथिसाइज अगेन द पैथोजन ये एलाइजा का काम है बस ये पूछना चाह रहा है एंटीजन का नेचर क्या होगा उसने ब्रैकेट में वहां पर लिखा हुआ है ये एंटीजन प्रोटीन हो सकते हैं और ये ग्लाइको प्रोटीन हो सकते हैं और भी कंपाउंड हो सकते हैं एट्सट्रा तो आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन होगा ये सिर्फ प्रोटीन नहीं सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन नहीं कार्बोहाइड्रेट ओनली नहीं ठीक है तो एटसेट्रा करके और भी लोग हो सकते हैं आगे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का फर्स्ट लॉ जो कि बताता है करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं डिस्क्रीट यूनिट जिसे हम फैक्टर कहते हैं फैक्टर पेयर में होते हैं और डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर में एक पेयर एक जो होता है डोमिनेंट होता है और दूसरा रेसेसिव होता है बात तीनों सही है आंसर फोर बनेगा आंसर क्या बन जाएगा इसका फोर आगे देखिए आगे लिखा है फैनल जो टायरोसिन में बदलता है उसके लिए एक्स पूछा है और टायरोसिन बदलता है किसमें आपके पास ये आपको बनाता है मिलानिन की सेंसेस में हेल्प करेगा ठीक तो आपको एक्स बताना है और इस एंजाइम का नाम है फैनल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज ये हेक्सोकाइनेज नहीं है आइसोमेरेज नहीं है फैनल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज है और एडीए भी नहीं 166 का थर्ड होगा आप ये वाला क्वेश्चन देखिए सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछ रहा है कौन सी बात सही है और आपको पता है कि यहां पर जी ए जी बदल जाता है जी यू जी में छठी पोजीशन पर आना चाहिए था एसिड आ जाता है वैलीन ठीक है तो बताइए यहां पर जीएजी लिख रहा है गलत यहां पर जीटीजी जी लिख रहा है गलत यहां पर जीसीजी जी लिख रहा है गलत यहाँ पर आंसर बनेगा जीयूजी जी, मतलब फर्स्ट मतलब फर्स्ट ठीक है बेटा अगला बताइए अगला लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच करेक्ट मैच निकालना है लिखा हुआ है कैविटी ऑफ सर्विक्स क्या कहलाती सर्वाइकल कैनाल कहलाती के ठीक है।, है बेटा क्लाइटोरिस को वम कहते हैं नहीं बेटा क्लाइटोरिस वम तो दूसरा नाम यूट्रस का होता है लेक्टिफेरस डक्ट टेस्टीज में नहीं ये ब्रेस्ट में पाए जाते हैं। और हाइमेन मेड अप ऑफ वेरी हार्ड टिश्यू नहीं हार्ड टिश्यू नहीं आपके पास वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवरिंग जिसे हम हाइमेन कहते हैं तो आपके पास करेक्ट मैच तो सिर्फ एक ही हुआ फर्स्ट 169 आप देखिए यहां पर लिखा है गोनिया प्राइमरी उइट में बदल रहा है और प्राइमरी उइट बदल रहा है सेकेंडरी ऊसाइट में तो आपको पता है उगोनिया जो होता है प्राइमरी उइड में बदलेगा तो यहां पर ग्रोथ होगी ग्रोथ का मतलब ऊ बदल जाएगा डिफरेंशिएट होकर डिवीजन नहीं हो रहा है डिवीजन नहीं हो रहा है डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी उइड में बदल रहा है प्लॉइडी उ की भी टू है और प्राइमरी उइट की भी टू है लेकिन प्राइमरी उइट में होता है मियोसिस वन और बदलता है सेकेंडरी उइड में और प्लॉइडी क्या हो जाती है हाफ तो आपको बताना है एक्स और वाई क्या है तो एक्स आपके पास डिफ्रेंशिएशन है सही है और वाई फर्स्ट म्योटिक डिवीजन है पहला ही ऑप्शन सही है फर्स्ट म्योटिक डिवीजन एक्स नहीं है माइटोसिस नहीं है और आपके पास वाई माइटोसिस नहीं है पहला ऑप्शन सही है 169 का फर्स्ट और ये है हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन इसके बाद आपको 171 से कराने आएंगे डिस्कशन विक्रम सर ठीक है तो आप देखिए यहां पर लास्ट क्वेश्चन क्या है इफ वी एक्सेप्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट ओनली फोर्टी परसेंट ऑफ दीज है तो यह भाई साहब फोर्टी परसेंट नहीं है यह लगभग ट्वेंटी टू परसेंट है क्योंकि रॉबर्ट मे का डेटा कहता है लगभग स्पेसीज ग्लोबल डाइवर्सिटी आपके पास हो सकती है सेवन मिलियन जिसका सिर्फ वन पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियन ही डिस्कवर किया जा सका है तो ये अगर सेवन मिलियन का डेटा निकाल के ले जाए तो यह बाईस परसेंट के आसपास बैठेगा फोर्टी परसेंट नहीं इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत है फिर लिखा है फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू टेन टाइम्स मेनी स्पसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट हैज फॉरेस्ट टू इक्वल द एरिया ऑफ टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए तो कह रहा है कि भैया जो आपके पास बायोडाइवर्सिटी का बढ़ने का जो रेंज है वो हर जगह सेम होता है आर की वैल्यू आपने देखा होगा कि हर जगह लगभग सेम होती है बहुत बड़ा कंटेंट ना ले लिया जाए तो ठीक है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यह आपको लिखा हुआ है बायोडावर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन वाले टॉपिक में तो आपके पास एक स्टेटमेंट गलत दूसरा सही तो इस तरह से आंसर आपके पास 170 का क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा तो ये यहाँ तक आप लोगों ने एफ एस टी एट सॉरी का आप डिस्कशन कर रहे हैं और हमने आपको 136 से 170 तक डिस्कस करा इसके आगे आप स्वागत है प्यारे बच्चों मैं विक्रम चैको आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट नाइन जो कि 18 अगस्त 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ था पेपर काफी ठीक था आप सब ने बर्सों के हिस्सा लिया इसके सभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हमारे पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी साइलेंसर अली सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 170 तक की जर्नी आप लोगों के साथ कैरी की है अब इसके आगे मैं प्रोसीड करूंगा क्वेश्चन नंबर एक से दो थैंक यू अली सर सर बहुत शानदार इसमें करने के लिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर क्रोसेंट इन नॉर्मल माइंडो फिलिंग माइंड आपको मालूम है कि जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हो जेनेटिक डिसऑर्डर की बात इसमें दो प्रकार के थे एक था मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ठीक तो क्रोमोसोमल में क्या था हा? एक होता है एनिप्लॉइड एक पॉलीप्लॉइड मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर बदलता था मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता था जैसे कोई कैरेक्टर है एक्स कोई कैरेक्टर है उसके लिए कोई जीन होती थी ये जीन डिस्टर्ब होती थी तो बीमारी आती थी जैसे हीमोफीलिया में ब्लड क्लाटिंग को क्लॉट कराने वाले कोई प्रोटीन होते तो उनको गवर्न करने वाली कंट्रोल करने वाली जीन मिसिंग हो जाती थी तो वो होता था थैलेसीमा में क्वानी बनाने वाली जीन को डिस्टर्ब होता था कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट करने वाली जीन जो होती थी वो डिस्टर्ब होती थी मतलब वो जो आपका ह्यूमन है उसमें क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता था जितना पहले था इसका मतलब चाहे हीमोफिलिक मैन हो नॉर्मल मैन हो कलर ब्लाइंड मैन हो नॉर्मल मैन हो थैलासिमिक मैन हो नॉर्मल मैन हो सब में क्रोमोसोम का नंबर से ऐसे ही फिनाल कीटोन्यूरिया जितने भी होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर नहीं केवल क्रोमोसोम पाए जाने वाले जीन डिस्टर्ब होते हैं व्यात सपोज दैट ये आपका क्रोमोसोम है इस पर कोई जीन किसी करेक्टर के लिए है ये डिस्टर्ब होती है पूरा क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है तो मैं हीमोफिलिक में छिया च्या, और नॉर्मल में भी छियालीस और मान लीजिए भविष्य में क्वेश्चन हीमोफिलिक के लिए कलर ब्लाइंडनेस के लिए फिनाल कीटोन्यूरिया के लिए के लिए किसी लिए पूछा जाए

जो होता है ये नोट छूट जाता तो यहाँ से लेटरल ग्रोथ होती थी तो क्या करता है ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन केवल ऊपर की, की तरफ बढ़ाता और लेटरल ग्रोथ को सप्रेस करता है मतलब ये डोमिनेंस हो जाता है ये इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस मतलब लेटरल ग्रोथ नहीं होती अब क्या करते हैं इसको हटा दिया जाए और आपको साइटोकिन दिया जाए तो लेटरल ग्रोथ होती है तो जहां जहां हमें हेज मेकिंग करनी होती है जहां हमें पत्तियों की और चौड़ाई की आवश्यकता होती है हेज मेकिंग करनी होती है वहां पर हम ये सब कम करते हैं डिकैपिटेशन कर देते हैं ठीक तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन होता है नॉर्मली वो रूट ग्रोथ को ज़्यादा फेवर करता है और जो साइटोकाइन होता है वो सूड ग्रोथ को लेटरल सूड ग्रोथ को करता है तो फॉर्मेशन को फेवर करता है ये दोनों सही है ठीक तो एपिकल डोमिनेंस अब देखिए एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से ऑक्सिन की वजह से और एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम किया किसने साइटोकाइनिन ने तो ये तीन तो में सही हो गए आपको पता था कि न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन को ये प्रोमोट करता है आपकी बुक में प्रमोट लिखा ध्यान से पढ़िए प्रमोट करता है तो ये गलत है भाई चौथा आंसर ठीक है तो ये साइटोकाइनिन से संबंधित चार आपकी मैचिंग थी जिसमें जो न्यूट्रन मोबिलाइजेशन है उसको वो प्रमोट करता है तो ये सीड बन जाता है ठीक अब देखिए ओव्यूल में अब इसमें आपको ओव्यूल में इनर इंटोमेंट आउटर इंटरग न्यूसिलस सब होते हैं तो जो ये न्यूसिलस होता है न्यूसिलस आपको पता है ये टूए होगा आपको पता ये स्पोरोफाइट होगा तो कभी कभी फर्टिलाइजेशन के बाद जितने इसके पार्ट होते हैं वो भी उल के वो सीड बल जाते हैं बाकी सारे पार्ट खत्म हो जाते हैं ठीक है जैसे खत्म हो जाएगा एंटीपोड खत्म हो जाएगा में कि वो जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रह जाता है तो यहाँ पे क्या है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें इसका रेमिनेंट्स बचता है रेमिनेंट्स आपकी बुक में ब्लैक पीपर और सुगर भी टिका एग्जाम्पल दिया हुआ है तो अगर ये चीजें स्पोरोफाइट है टूवेन है तो जाहिर सी बात है जो इसका पेरिस जो नया नाम बना सीड में ये भी यही चीज होगा तो भाई रेमिडेंस तो है ही स्पोरोफाइट डिप्लॉय टिश्यू है और ये भी फूड रिजर्व रखता है बात याद रखिएगा फूड रिजर्व तो आपसे पूछा जाएगा पेरिसम एंडोस्पर में क्या अंतर है दोनों स्पोरोफाइट है लेकिन वो ये डिप्लॉयड है वो ट्रिप्लॉयड एन एंड में फोर्थ आंसर आपको पता है कि डब्ल्यू बी सी का जो दूसरा नाम है वो ल्यूकोसाइट्स होता है ये आपको पता है और ये मेनली जो होते हैं ये एनलोसाइट होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट ठीक तो ए ग्रेनुलोसाइट में आता है मोनोसाइट लिम्फो लिम्फोसाइट ठीक मोनोसाइट लिम्फोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में बाकी क्या थे हैं बेसोफिल इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल तो जो सबसे कम होता है सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल ठीक उसके बाद लिम्फोसाइट उसके बाद मोनोसाइट्स उसके बाद इओसिनोफिल और उसके बाद बेसो फिर यह होता है पॉइंट फाइव टू वन परसेंट ठीक तो यही है सबसे कम ठीक तो ये सिक्स टू सिक्सटी फाइव परसेंट बीस से पच्चीस आंसर ली सबेंडेंट अब देखिए आपकी बुक में डेटा दिया गया है कि जो ई e. कोलाई का डीएनए होता है वो पूरा का पूरा अट्ठारह मिनट में रिप्लीकेट किया जाता है इसमें कोई शक नहीं है बुक का डेटा है आपको याद होना चाहिए अट्ठारह मिनट में देखिए नॉर्मली जो लीफ होती है लीफ और स्टेम इनमें आउटर मोस्ट लेयर का नाम हम देते हैं ईपी ठीक लेकिन रूट में क्या होता है ईपी ब्लेमा ये सही है आपको मालूम है कि जब आप ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू ठीक तो ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो लीफ में वो मीजोफिल होता है ठीक मीजोफिल और ये पैनकाइमा का बना होता है किसका बना होता है तो पैनकाइमा का तो ये तो सही है और गार्ड सेल में जो होता है वो क्लोरोफिल होता है ठीक गार्ड सेल में क्लोरोफिल होता है जिससे फोटोसिंथेटिक होता जिससे इसकी और चेंज होती है जो कि रिक्वायर्ड है, तीनों सही है अब लिखा, कुछ नहीं आपको पता की जब हम बात करते हैं ये ऊपर वाला मीजोफिल है ये मीजोफिल है ये बंडल सीथ है ठीक यहाँ पे सबसे पहले पी ई पी और प्लस सी ओ टू का जब जुड़ता है किसकी एक्टिविटी की वजह से की वजह से तो बनेगा ओ ए ए ये चार कार्बन कंपाउंड है ये तीन कार्बन कंपाउंड है ठीक अब ये ओ ए से मैलिक एसिड बनेगा फिर स्पार्टिक एसिड बनेगा मतलब फोर कार्बन एसिड यहाँ आएगा और यहाँ पे इसका डी कारबॉक्सिलेशन हो जाता है और जैसे ही ये सी ओ टू निकलती है कैलविन साइकिल में चली जाती है और बाय दी हेल्प ऑफ रुबिस्को यहाँ पर भी फिक्सन होता है तो हमने ये देखा कि सी फोर प्लांट के बंडल स्थित में क्या क्या हुआ एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को डी कारबॉक्सिलेशन कैलविन साइकिल दैट इज फोर्थ आंसर अब देखिए नॉवेलटन वेरियन इनसाइट ऑफ डार्विन वार्टिस ही असर्टेड दैट वेरिजन विच आर हेरिटेबल एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर कहते हैं डार्विन ने कहा था कि एक बड़ा सा हैबिटेट हो वहां एक स्पीशीज ए बी सी डी है तमाम है ये पॉपुलेशन का वेरियन होता है और जो वेरिएशन वेरियंट पॉपुलेशन नेचर को अच्छे से अडाप्ट करती है रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करती है वो इनहट हो जाती है और इनहट होते 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 एक अच्छा वेरिएशन आने के बाद वो स्टेबल बन जाती है और उसी का नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है तो कहते लिखे कि विच मेक रिसोर्स मोर यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू एडाप्टेड टू तो हेपर बेटर विचल अस टू ओनली दो रे प्रोड्यूस एनहेंस दि मोर प्रोजनी तो जो ज़्यादा अडाप्ट करेगा उसकी प्रोजिनी ज़्यादा बढ़ेगी तो वही इवाल्व करेगा सही है और लैमार्क पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि आर्गन यूज एंड डिस ऑफ़ थ्योरी दी थी उन्होंने कहा था जिन अंगों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे वो ज़्यादा डेवलप होंगी और ज़्यादा डेवलप होंगी तो इनहेट करेगा तो इन्होंने कहा थ्यूरी ऑफ इनहेटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर तो मैंने जिस अंगों का ज़्यादा प्रयोग किया वो इनहेट कर गई और इनहेट करने के बाद आने वाली सक्सेसिव जनरेशन में वो करेक्टर जाने लगा तो इन्होंने कहा था कि जीराफ ने अपनी गर्दन को बार बार ऊपर की तरफ मतलब प्रयास किया कि हम बड़े पत्ते ऊपर के पत्ते खा लें ठीक जिससे उनकी गर्दन लंबी होती गई हिरन के कंपेयर में क्योंकि हिरन भी पत्ते शाकाहारी है और जिराफ भी तो उन्होंने कहा इस तरह से उन्होंने अपने अंगों का गर्दन का ज़्यादा उपयोग किया इसलिए उनके गर्दन लंबे हो गए और लंबे होने के बाद वही उनका नेचुरल सिलेक्शन आगे चल के हो गया लेकिन डार्विन ने कहा ऐसा नहीं है डार्विन ने कहा कि एक दिया गया पॉपुलेशन था और वहाँ पर ढेर सारे अलग अलग प्रकार के जिराफ थे जिराफ ए बी और सी और टी ठीक तो जैसे जंगल है जब नीचे के पत् अब देखिए जो जो नीचे के पत्ते हैं घास फूस हैं वो सभी खा सकते हैं लेकिन जो ऊंचाई पे हैं वो वही खा सकता जिसकी गर्दन लंबी हो तो उन्हें कहा था कि पहले से ही लंबे जिराफ वाले थे और छोटे जिराफ वाले गर्दन वाले थे और समय जब सब लोगों नीचे वाले जमीन के और छोटे पत्ते सब लोगों खा खत्म कर दिए तो रिसोर्स बचा नहीं तो जिनकी गर्दन लंबी थी वो सरवाइव कर गए और जिनकी गर्दन छोटी थी वो खत्म हो गए समय के साथ तो यही है कि जो रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज करेगा जो नेचर को अडाप्ट क्यों अब नेचर में केवल ऊंचे पेड़ों पर ही पत्ते बचे हैं तो जिनके पास करेक्टर होगा ऊंचे पेड़ पर खाने का वही इवाल करेगा तो लेमार्क ने पहले ये थू दी बाद में जब डारविन आए तो उन्होंने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि नहीं ऐसा नहीं था तो पहले से ही वेरिएशन था तो इन्होंने ने जिराफ का एग्जाम्पल लिया था जीराफ का तो डियर का नहीं लिया था तो पहला सही है दूसरा गलत है आंसर लिखा कि आपको किताब में लिखा है कि अर्थ की ओरिजिन फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स एगो हुई थी और उन्होंने कहा था कि अर्थ के बनने के पांच सौ साल बाद ओरिजिन हुई लाइफ की इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फोर बिलियन इयर्स एगो आपके लाइफ की ओरिजिन हुई है तो ये बिल्कुल सही है उसके बाद लिखा है कि लुइस पासर समय समय पर अलग अलग साइंटिस्ट अरेनियस वॉन हेलमोन कई प्रकार के साइंटिस्ट आए जिन्होंने थ्योरी ऑफ ए बायोजेंसिस दिया किसी ने कहा कि नील नदी के कीचड़ से और वो कहीं के पत्थर से एकाएक जो है जीवन की उत्पत्ति हो गई किसी ने कहा कि किसी दूसरे प्लान से स्पोर आया उड़ के किसी दूसरे प्लान पे गया वहाँ से जीवन की उत्पत्ति हो गई लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि जो चीज़ सबसे पहले आई वो कहाँ से आई तो इस बात को डिसप्रूव करने के लिए जो लुइस पासर्क थे उन्होंने एक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया और उन्होंने कल्चर मीडियम में आपके ईस्ट लिए अदर माइक्रोव लिए और उसमें हवा नहीं पास होने दी तो उन्होंने देखा कि कोई नया जीव उसमें पैदा नहीं हो पाया क्यों बाहर से कोई स्पोर या कोई जीव आया ही नहीं लेकिन जब उन्होंने स्वान ने इसको एयर पास आउट करने दिया तो उन्होंने देखा कि उस कल्चर मीडियम में आपके नए जीव पैदा हो गए इसके जब बाहर से जीव आया है तो पहला जीव जो पैदा हुआ किसी विद्यमान जीव से तो थ्योरी ऑफ बाइजेंसी ये कहती है कि जीवन की उत्पत्ति पहले से विद्यमान जीव से ही हो सकती है तो ये बात डिस्प्रूव हो गई तो इन्होंने नॉन लिविंग से नहीं भाई लिविंग से था ये जो आपके लुइस पॉसर का प्रयोग था वो ये था कि जीवन की पॉसिबल ओनली लिविंग से ही है तो ये गलत है भाई ये सही है और ये गलत है दैट इज आंसर अब देखिए करट स्टेटमेंट फॉर माइक्रोस्पोर इंजिया फ्लॉरिंग प्लांट आपको पता है कि जब आप एंथर की बात करते हैं एंथर तो ये टेट्रास्पोर इंजियट होता है टेट्रास्पोरजियट का मतलब इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं चार अलग अलग कोने पर इसी के लिए इसको टेट्रागोनो कहते हैं और हर माइक्रोस्पोनजम के जवाब आप, आप लेयर चेक करेंगे ये लेयर अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा सबसे पहले इपीडर्मिस, एंडोथीसियम मिडिल लेयर और उसके बाद टैपिटम तो इपीडर्मिस आउटर मोस्ट है टैपिटम इनर मोस्ट है और ये तीनों डेसेंस में अब वो न्यूट्रिशन में तो लिखा इट इज जनरली फोर ये बिल्कुल सही है वॉल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन ऑफ एंथर ये गलत है सभी नहीं क्यूल बाहर के तीन आउटर मोस्ट वॉल लेयर लेम नहीं होती होतीमिस होती है एंडोथीसियम नहीं सर एंडम नहीं टेपिटम तो ये तीनों गलत है ओनली ए सही है सेकेंड आंसर लिखा अब देखिए एंडोस्पर्म एंड आपको पता था कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था डबल फर्टिलाइजेशन तो एक केस था दो दो पोलर न्यूक्लियाई का एक आपके मेल गैमेट से फ्यूज होना और वहां पे क्या बना प्राइमरी इंडोस्को सेल जो कि आगे चल के एंडोस्पम्प बन गया था और एक आपका पोलन एक आपका मेल गाइमिट और एक आपका एक मिलकर जायगोर्ड बना था तो इसका मतलब जो एंडोस्पम्प बना वो प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन है फर्टिलाइजेशन के बाद बना है इस से फुल रेयर फूड होता है जो कि जायगोर्ड को न्यूट्रिशन देता है और एंडोस्पर्मिक सीड हो चाहे नान दोनों में ये होता है लेकिन जायगोर्ड से एम्ब्रियो बनने तक मेच्योर सीड बनने तक अगर एंडोस्पम बचा रहता है तो बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और बचा नहीं रहता है तो बोलते हैं ना एंडोस्फर्मिक ठीक है तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है दोनों में होता है और द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद ये बिल्कुल सही है डेवलपिंग इसीलिए आपके बुक में लिखा है कि एंडोस्फर्म का डेवलपमेंट पहले हो जाता है जायगोट के डेवलप होने से पहले क्यों क्योंकि तो एंडोस्फर्म को डेवलपमेंट देना होता है नरिशमेंट देना होता है जायगोट को तो ये चारों सही है भाई लेकिन जब आप जिन्नोस्फर्म की बात करेंगे तो उसमें मेगा स्पोर से आपका एंडोस्फर्म बन जाता है ठीक तो मेगा स्पोर एम्प्लॉयड होती है ये भी हेपराइड होती है बिफोर फर्टिलाइजेशन बना है यहाँ पे गैमेटोफाइट है इसीलिए क्वेश्चन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के लिए है क्योंकि अगर एंडोस्पर्म लिख देते तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट हमेशा एंडोस्पर्म नहीं होता ध्यान रखिएगा फोर्थ आंसर अब लिखा स्टेटमेंट इन, इन, इन कुछ नहीं आपको मालूम है कि जब आप आरी की बात करते हो तो आरी में आपका ब्लंट इन प्रोड्यूस करने भी करती है और आपका स्टिकी इंड प्रोड्यूस करती है जो आपका इको आर फर्स्ट है फर्स्ट वो स्टिकी इंट्रोड्यूस करता तो ये गलत है स्टिकी तो ये गलत हो गया और दोनों प्रोड्यूस करता एक रोज वो मैट्रिक्स था जेट्रोफोर में जो मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है डीएनए के सैंपल के चलने के लिए तो ये नेचुरल पॉलीमर है सही है भाई और कहाँ इस्तेमाल हुआ जेल्ट्रोफोरिक्स में ये पहला आंसर से द स्टेटमेंट आपको पता है सपोज ये बड़ा सा सेल है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस और उसके अंदर ये आपका क्रोमोसोम जिसके फॉर्म में डीएनए है ठीक है जिसके फॉर्म में आपका डीएनए है ठीक तो आपको मालूम है कि अगर हमें डीएनए को आइसोलेट करना है डीएनए आइसोलेट करना है तो हम जितनी चीजें इस डीएनए के अलावा होंगी उन्हें डाइजेस्ट करेंगे एक सेल में सबसे बाहर होती है सेलवाल ये तो आपको पता से सेलवाल वेरी करती है अलग अलग जीवों में प्लांट में सेलवाल की सेलोज की बनी है फंजाई में काइटिन की बनी है बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है तो इन सबको डाइज़ करने वाले एंजाइम अलग अलग होते हैं इसके अलावा आर के लिए आर प्रोटीन के लिए प्रोटीएज आप देखते हैं क्या गलत है प्लांट सेल में सेलोज है तो सेलोज सही है फंगस में काइटिन है तो काइटिन सही है बैक्टीरिया में लाइसोजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है लेकिन आरएनए के लिए हमें

स्ट्रेन से और ये फर्स्ट है उस ऑर्डर में जितने निकला है तो इसका जो था आर वाई थर्टीन होता है याद रखिएगा तो ये आर यहीं से लिया गया है इको आर वाई थर्टीन अब देखिए आपको पता है कि मान लीजिए कहीं किसी क्राइम सीन से आपको छोटा सा डीएनए मिल गया अब इतने डीएनए से हम पता नहीं लगा सकते फॉरेंसिक साइंस में तो हम इसकी इन विट्रो कॉपियां बनाएंगे इन विट्रो सिंथेसिस करेंगे मल्टीपुल कॉपी बनाएंगे तो इनविट्रो विट्रो एन सिंथेसिस वाले प्रोसेस का नाम पीसीआर, इसमें तीन स्टेप डी नेचरेसन एनीलिंग एक्सटेंसन और इसमें एक विशेष प्रकार का टैक पॉलीमर इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रोसेस चलती है वहाँ पे नॉर्मल डीएनए एन पॉली वर्क नहीं करेगा तो टैग पॉली निकाला जाता है एक बैक्टीरिया थर्मास से ठीक है तो अब ये तो बात सही है और बैक्टीरिया थर्मोल सेक्टी का ये भी सही है अब देखिए सेलेक्टेबल मार्कर वो था जो ट्रांसफार्मेंट को नॉन ट्रांसफार्मेंट सेपरेट करता था और ये एंटीबायो नॉर्मली एंटीबायोटिक को रजिस्ट्र करने वाले जीन होते हैं ये भी सही है तो करेक्ट पूछा गया फोर्थ आंसर आपको पता था कि जो बायोटेक बायोटेक के डिफिनिशन है वो एक संस्था थी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसी ने दिया था तो ये उसका फुल फॉर्म है भाई सेकेंड आंसर आप इन ह्यूमन ओनली किडनी आपको पता है कि जब आप ह्यूमन की बात करते हो तो यहाँ पर किडनी जो है वो प्रिंसिपल क्या लिखा है प्रिंसिपल है ठीक ये प्रिंसिपल लेकिन इसके अलावा बहुत से और भी आर्गन होते हैं जो स्किन में हेल्प करते हैं जैसे हमारी स्किन पसीना निकालती है ठीक सीवेड वो निकालती है तेल निकालती है ऑयल कह सकते हैं ठीक इसके अलावा लंग्स सीओ टू लगातार निकलता ही रहता है लीवर भी इस्तेमाल होता तो लंग्स लीवर इसका मतलब अब जब मैं कह रहा हूँ कि किडनी तो प्रिंसिपल एस्क्रटिकर्गन है इसके अलावा लंग्स लीवर किडनी भी आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि केवल किडनी ही एस्करन के वह करता है ह्यूमन बॉडी में तो अब ऐसा लिखा नहीं ह्यूमन ओनली किडनी आर नॉट इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एस्कर बिल्कुल सही है और ऐसा क्यों है क्योंकि बहुत सारे आर्गन ऑफ ग्लैंड लाइक लंग्स लीवर स्किन आर हेल्प इन द एस्कटि वेस्ट बिल्कुल सही है दैट इज़ फोर्थ आंसर आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ अठासीट्स आपको एक तो प्रकार का कैसा ग्लैंड है, ये मिक्स है।, क्यों मिक्स है? क्योंकि ये और एंडोक्राइन दोनों की तरह वर्क करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं एक्सोक्राइन से आपका एंजाइम निकलता है पेनक्रियाटिक जूस अब एंडोक्राइन में तीन प्रकार की सेल होती है अल्फा सेल्स एक बीटा सेल्स और एक होती है डेल्टा सेल्स इन तीनों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं अल्फा सेल से ग्लूकागान निकलता है जो कि हाइपरग्लाइसिमिया करता है बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन जो कि हाइपोग्लाइसीमिया करता है और इससे निकलता है सोमैटोस्टेटिन ये तीन तो आपसे पूछा गया कि आइसोलेट ऑफ लैंगरह कहाँ पाया जाता है और इनकी संख्या मिलियंस में होती है मिलियंस में होती है कहाँ पाए जाते हैं पेन में दैट इज फोर्थ आंसर फोर्थ आंसर अब देखिए लिखा है कि ये द ब्लैंक दिया गया है तो कह रहे हैं कि ब्रांज, ब्रांज इन द सूट सिस्टम आई मल्टी सोलर और देर में सूट सिस्टम में कभी भी रूट हेयर हो नहीं सकता और मीजो फिल्ड तो ग्राउंड सब्सटेंस है भैया और आपको पता है और सब्सिडी सेंस कहाँ होती है आपके इपिड सिस्टम में है तो जब आप सूट सिस्टम की बात कर रहे हो तो ये ट्राइकोम होता है जो यूनिसेलर और मल्टी दोनों होता है और ये सॉफ्ट होता है स्टिफ होता है और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ठीक सेकेंड आंसर अब देखिए विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोर देन टू आपको पता है ये थ्री चैम्बर हार्ट होता है थ्री चैम्बर हार्ट जिसमें दो ऑर्किल और वन वेंट्रिकल और, और किडनी आपको पता है वन पेयर होती है टेस्टिस भी आपको पता है पेयर में होती है इसका मतलब ये भी दो है ये भी दो है और आर्किल भी दो है ये भी दो है और वासा जो होती है टेन टू इलेवन ये दस से बारह निकलती है कहाँ से ईच टेस्टिस टेस्टिस से टेस्टिस दस से बारह निकलती है मतलब दो टेस्टिस में बीस से ज्यादा होगी मतलब दो से ज्यादा इसकी संख्या है दैट इज वासा एफरेंसिया फोर्थ अब देखिए काक्रोच का जो साइंटिफिक नेम क्या भाई पेरी प्लानिटा अमेरिकाना सेकेंड आंसर अब पेपेवर जो है प्लांट का नाम है जो कि ह्यूमन हेल्थ में दिया पेपेवर ठीक <laughs> <थीके>? है <laughs> पेपेवर दिया गया पेपेवर आपको पता है यह है पेपेवर सोमनीफेरम ये पॉपी प्लांट होता है जिससे आपका ओपीएम निकाला जाता है और आपको पता वाइवेक्स और फैलसी फेरम ये प्लाज्मोडियम की प्रसिद्ध है ठीक तो ये भी गलत ये भी गलत ये सही है सेकेंड आंसर आप देखिए सदा इनकेट ऑप्शन आपको पता है कि जितने भी आर्सा होते हैं वो आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं यूनिसेक्सुअल का मतलब डायोईसियस तो मोनो एसियस ही गलत हो गया फोर्थ आंसर यूरिको टेलिक है मोजाइक विजन है पावरो मेटावलस है फोर्थ तो आंसर अब देखिए आपको पता है कि जब आप कनेक्टिव टीशू की बात कर रहे थे कनेक्टिव टीशू ठीक कनेक्टिव टीशू तो कनेक्टिव टीशू में आपके आपको पता है एक होता है सेल एक होता है फाइबर और एक होता है मैट्रिक्स जो सेल होती है वो स्पेशलाइज होती है वही फाइबर सिक्रेट करती है और मैट्रिक्स सिक्रेट करती है और क्या होता है न्यूकोपोलीसेक्राइड तो ये सेल जो होता है अलग अलग टिश्यू में ही करती है अगर बोन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑस्टियोसाइट कार्टिलेज में कांड्रोसाइड एरियोलर टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट ठीक लेकिन आपका जो कुछ ऐसे भी एक कंट्रीज होता है ब्लड जिसमें फाइबर नहीं होता है तो आपको पता आर ब्लड का ही कंपोनेंट है ठीक है तो कहते हैं कोलजन फाइबर कहाँ एबसेंट होगा आर में नहीं होगा क्योंकि ब्लड में ही नहीं है फाइबर तो बात ही छोड़ो फोर्थ आंसर अगर फॉलोइंग ऑर्ड फॉर एक्जो क्लाइन ग्लैंड आपको पता है एक्जो क्लाइंड जो होती है वो डक्ट वाली ग्लैंड होती है कैसी ग्लैंड होती है डक्ट वाली ग्लैंड और इनका सिक्सन म्यूकस हो सकता है ऑयल ईयर वैक्स इसके अलावा मिल्क है इसके अलावा स्लाइवा है और इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम है इतने सिक्रीशन है लेकिन हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है दैट फोर्थ आंसर यही है फोर्थ आंसर अब देखिए आपको पता पताइट में न्यूरोस्पोरा आपको पता है ये मल्टी सुलर है पहली बात और ये फंजाई है ठीक तो आपको पता फंजाई क्या होते हैं यू होते हैं फंजाई हैट्रोट्रॉफिक होते हैं तो भाई ये तो सही दिख रहा है ट्राइकोडर्मा भी आपका मल्टी सोलर फनजाई है तो ये तो गलत डस्टमिट्स जो होता है आपको पता है ये क्राइसोफाइट्स की टाइप है और क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो फोटोसेंथेटिक होते हैं और फोटोसेंथेटिक है तो आटोट्राफिक है तो ये अब ये चूंकि अब देखो क्राइसोफाइट्स क्या है प्रोटिस्टा ठीक तो प्रोटिस्टा तो यूनीसोलर होता है तो मल्टीसोलर होगा नहीं और यू बैक्टीरिया होते हैं कैसे ट्रू बैक्टीरिया ठीक तो ये गलत हो गया दैट इज फर्स्ट आंसर अब देखिए जब आपसे बोला गया था कि वर्टिब्रेट की बात तो वर्टिब्रेट में नोटोकार्ड वर्टिबल कालम में चेंज हो जाती है लेकिन ये वर्टिबल कालम जो होता है ये बोनी भी हो सकता है और ये कार्टिलेज का भी हो सकता है कार्टिलेज कहाँ का होगा साइक्लोस्टोमेटा में होगा और कांटेक्ट थीज में होगा अब लैम्परे जो है साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है और इसका नाम क्या है पेट्रोमाइजान तो वर्टिवल कॉलम काटेस लैम्प्रे दैट इज ए थर्ड और कहीं है नहीं तो आंसर क्या बन गया सेकेंड नोटोकार्ड पेन लार्वल टेल ये कहते हैं तो यूरोटा और यूरोकार्टा में कौन एसिडियम एसिडिया साल्पा डोलियोलम दैट इज बी फर्स्ट क्रेनियम बोनी अब क्रेनियम बोनी इन दोनों में है अब समस्या सर लेकिन फोर्थ चैम्बर हेड के डॉग में है फर्स्ट सेकेंड थर्ड दंसर तो भाई ए थर्ड हो गया बी फर्स्ट सी सेकेंड कभी कभी क्या होता है कि एक चीज से कई चीजें मैच करती हैं मैं कह रहा हूं फोर्थ चैम्बर हर्ट तो अब अब देखिए क्रेनियम बोनी ये हाइला में भी है वो डॉग में भी है तो अब समस्या आ गई सर कि अब क्या करें तो फोर्थ चैम्बर हर्ड को हम डॉग से मैच कर लेंगे दैट इज डी फोर्थ अब देखिये प्रोटोकार में आपको पता कौन कौन सी फैलोकार और यूरोटा आते हैं ठीक तो आपको पता कि अभी मैंने बताया कि प्रोटो में प्रोटोकार साल्फा डो होते हैं तो भाई ए थर्ड तो ये मैच कर रहा है वर्टिव डेटा में आपको पता है बाकी सब आएंगे एम्फीविया आएगा फिसेस आएगा रेप्टाइल्स आएगा मैमल्स आएगा तो कोबरा किसका है भाई रेप्टाइल्स का तो ये तो सही हो गया बी फोर हेमिकार्टा में साइको ग्लास और ब्रेनोग्लासेस आर्थ्रोपोडा में क्यूलेक्स ये एक प्रकार का मॉस्किटो है वेक्टर है किसका फाइलेरियासिस का ठीक तो भाई ए थर्ड बी फोर्थ सी सेकंड डी फर्स्ट दैट इज फर्स्ट आंसर अब देखिए आपको पता था कि जैसे स्पीशीज है इस स्पीशीज के बाद जीनस उसके बाद फैमिली उसके बाद ऑर्डर उसके बाद क्लास और क्लास के बाद फाइलम और फ़ाइलम के बाद किंगडम तो कहते जब इनकी ग्रुपिंग होती है तो ये बनते इनकी ग्रुपिंग इनकी ग्रुपिंग तो मैं कह रहा ग्रुप ऑफ रेटेड फैमिली क्या बनाएगा ऑर्डर सही है फिर क्लास क्या? फाइलम। और ग्रुप फाइलम किंगडम लेकिन सर ग्रुप ऑफ रेटेड जिनरा स्पेसी नहीं ग्रुप ऑफ स्पीसीज क्या बनाएगा जीनस तो यही गलत है दैट इज फर्स्ट आंसर अब देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है दो जगहों पे दिया एक तो मेटाजेंस दिया पॉलिप से मेडसा मेटसा से पॉलिस और दूसरा से स्पोरोट स्पोरोड से गेमटोफाइड अब देखते हैं इन दोनों में से क्या तो हम इसे प्लांटी से मैच करा लेंगे होलो जोइ का मतलब होता है एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है मोड का जिसमें ये होता है कि इंजेशन ठीक है इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो और इजेशन ये पांच स्टेप्स में जब आपके फूड का न्यूट्रिशन पूरा हो तो उसे बोलते हैं होलोजोइक तो भाई ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रीशन एस्कोकार्प एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है जो कि की एसकोमा पाई जाती है तो भाई ये फ्रूटिंग बॉडी हो गई मलेरिया पैरासाइड का नाम होता है प्लाज्मोडियम ठीक जो कि आपका स्पोरोजोवंस है ठीक है स्पोरोजोवंस क्या है एक प्रकार का प्रोटोजोवंस है और प्रोटोजोवंस क्या है सर जी एक प्रकार का प्रोटिस्टा है तो देखते हैं इन चारों में से किससे मैच कर रहा है ये, ये मैच कर रहा है किससे प्रोटिस्टा से तो भाई देखिए ए सेकेंड बी थर्ड सी फोर्थ डी फर्स्ट दैट इज सेकेंड आंसर अब देखिए सिड्रस आपको पता है इसमें स्टेमिन ब्रांच होती है और ये जिम्नोसपर्ब होता दैट इज ए फर्स्टोफाइट दैट इज बी फोर्स और पॉलिट्राइक मॉस है तो ये हो गया और लाइब्रेरिया आपका यूज एज फूड के रूप में होता है यूज एज फूड और ये फीवसी का मेंबर है दैट इज डी सेकेंड सेकेंड आंसर ठीक है तो बच्चों सेशन यहीं से खत्म हुआ कमेंट बॉक्स जरूर बताइए आपको सेशन कैसा लगा और हमारे सीन साथी अली सर और सैलन सर ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है पेपर जिस उद्देश्य से मैंने बनाया उसमें भी छिपी हुई बारीकियाँ कंसेप्ट को उन लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है आप लोग को थैंक यू अली सर सैलेंट सर नाइस पेपर एक्सपन करने के लिए अब बच्चों चैनल पर बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिस दिन टेस्ट हो उस दिन उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय बाय